डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन वेव को एज ए स्टेशनरी वेव कंसीडर करते हुए एक थ्री डायमेंशनल इक्वेशन को सिंपल मेथड से डिराइव किया था। इस इक्वेशन को हमने साइनसोइडल वेव इक्वेशन कहा था। अब इसी साइनसोइडल वेव इक्वेशन और डी ब्रॉगली इक्वेशन को कंबाइन करके हम एक क्वांटम मैकेनिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, यह टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम वेरिएबल नहीं है। तो हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी जो होगी, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करें, देन ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगेन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक साइन काम में ले लेते हैं, दैट इज वी। ये पोटेंशियल एनर्जी का वी कैपिटल में लिया गया है और काइनेटिक एनर्जी में जो ये 1/2 mv² है उसके वी को स्मॉल वी से शो किया गया है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज 1/2 mv², हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 1/2 m² v² / m। m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहां एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास, वी वेलोसिटी, या एम वी को हम मोमेंटम भी कहते हैं। इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और इसका हम स्क्वायर कर दें तो m² v² इज इक्वल टू h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर। m² v² इज इक्वल टू h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, वी कैन से, हम इसको यूं कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और m² v² की जगह पुट कर दें h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th इज h² अपॉन 2 m इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू e - v, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन 2 m
E माइनस V, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम यहां पर साइनसॉइडल इक्वेशन को यूज में ले, साइनसॉइडल इक्वेशन जो हमने डिराइव करी थी ये थी डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर टू साई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 6 से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। सो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, सो द इक्वेशन विल बी डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई by del y square plus del 2 psi by del z square plus 4 pi square, lambda square की जगह वैल्यू पुट कर दी तो h square into 2m e minus v into psi is equal to 0। Now we can say del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 8 pi square m e minus v अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन हमने डिराइव करी, दिस इक्वेशन इज नॉन एज श्रोडिंगर इक्वेशन एंड दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डिराइव करी है, इसी का एक फॉर्म और भी है। हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहां से हम साई को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर, और साई को कॉमन ले लिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, जो टर्म लिखी है, उसकी जगह पर हम डेल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v h स्क्वायर टू साई इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमने डेल स्क्वायर लिया है, ये डेल स्क्वायर हमने इसकी जगह लिखा है, ये था डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर, और इस डेल स्क्वायर को हम लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का ये जो फॉर्म है, ये एक लैप्लेशियन ऑपरेटर के
से इससे हमने इसको चेंज करके उस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखी है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।